हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने सत्ता की साझेदारी चैप्टर को स्टार्ट किया था। इस वीडियो में हम उसी अध्याय के आगे के पार्ट को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। अब बात करते हैं हम किसकी, श्रीलंका की। ये तो हमने जान लिया कहाँ की कहानी, बेल्जियम की कहानी। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। ठीक है, श्रीलंका की कहानी देखते हैं कि आखिर श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ और वहाँ की जो सरकार थी उसने किस तरीके के कदम उठाए। तो श्रीलंका की यदि हम बात करें तो श्रीलंका जो है, आप सभी जानते हैं श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। ठीक है ना, जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर पर स्थित है, है ना। तो अगर हम भारत के नक्शे को देखते हैं, भारत के मानचित्र को देखते हैं, तो उसके नीचे कुछ ही जो दक्षिण वाला भाग है भारत का, उसके कुछ नीचे ही अगर हम जाएंगे तो हमें क्या मिल जाता है, श्रीलंका मिल जाता है। और श्रीलंका की जो जनसंख्या है वह लगभग 2 करोड़ है, जो हरियाणा के लगभग बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बेल्जियम देश था वो हमारे हरियाणा से छोटा देश है, है ना, हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा देश है। वहीं पर अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी है, 2 करोड़ है, जितनी जनसंख्या हमारे हरियाणा जैसे राज्य की है। अब हम जानते हैं कि श्रीलंका की जो सामाजिक संरचना थी उसके बारे में हम देखते हैं। तो श्रीलंका की सामाजिक संरचना को देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर श्रीलंका में 2 तरीके के लोग रहते हैं, कौन कौन से, सिहली भाषा बोलने वाले और तमिल भाषा बोलने वाले। ठीक है ना, सिहली भाषा बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, वह रहते हैं 74% लोग, और तमिल भाषा बोलने वाले कितने रहते हैं, यह रहते हैं 18% लोग। अब इन जो तमिल भाषा लोग हैं, ये जो 18% के या 18% के तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, इनमें 2 प्रकार के और भी लोग होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, तो 13% जो जनसंख्या है वो क्या बोलती है, वह बोलती है श्रीलंकाई तमिल। वह कैसे लोग हैं, श्रीलंकाई तमिल हैं। और जो 5% की जो जनसंख्या है वह कौन है, वह है भारतीय तमिल। भारतीय तमिल मतलब जो भारत से वहाँ जाकर बस गए थे और अभी भी वहीं पर रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, भारतीय तमिल बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके श्रीलंका की जो संरचना थी वह 2 भागों में विभाजित थी। सिहली भाषा 74% लोग बोलते थे और तमिल भाषा 18% लोग। और इस तमिल भाषा में भी जो श्रीलंकाई तमिल थे, जो मूल रूप से श्रीलंका के तमिल बोलने वाले लोग थे, वह 13% थे। और जो भारतीय तमिल हैं, जो भारत मूल से जाकर वहाँ बसने वाले जो लोग थे, वह हैं 5% लोग। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो अभी मैंने आपको आगे की वीडियो में बताया था कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बारे में, तो आप देख पा रहे हैं कि जो सिहली भाषा बोलने वाले हैं वह क्या है, वह बहुसंख्यक है, क्योंकि जनसंख्या में यह ज़्यादा लोग हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तमिल भाषी लोगों की, तो तमिल भाषी क्या हुए, अल्पसंख्यक हुए। तो आइए जानते हैं हम कि श्रीलंका में यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में क्या हो रहा था। तो वहीं पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुसंख्यक सिहली भाषी लोग बौद्ध अनुयायी थे। ठीक है ना, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कौन लोग, जो बहुसंख्यक सिहली लोग थे, है ना, सिहली भाषा जो बोलते थे वह बौद्ध धर्म को मानते थे। जबकि तमिल भाषा जो थे, जो हमने अभी पढ़ा कितने प्रतिशत लोग थे, 18% लोग, वह कौन सी भाषा बोलते थे या वह किस धर्म को मानते थे, वह मानते थे मुस्लिम्स और हिंदू, है ना, मतलब मुस्लिम और हिंदू मिलकर तमिल भाषा ज़्यादातर लोग बोलते थे। और वहीं पर जो बहुसंख्यक लोग थे, सिहली भाषा बोलने वाले लोग थे, वह बौद्ध धर्म को मानते थे। तो श्रीलंका की आबादी में ईसाइयों का अगर हम हिस्सा माने, ठीक है ना, तो श्रीलंका की आबादी में ईसाइयों का हिस्सा जो था वो कितना था, 7% का था। और यह जो ईसाई थे, यह दोनों ही भाषा बोलते थे, मतलब सिहली भी बोलते थे और आपका तमिल भी बोलते थे, दोनों ही भाषा बोलते थे। ठीक है ना, चलिए इसको एक बार हम मानचित्र के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर श्रीलंका का मानचित्र। ठीक है, अब इस श्रीलंका के मानचित्र में ये जो पीले रंग का एरिया आपको या पीले रंग का जो क्षेत्र दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है, ये कौन से लोग हैं, ये सिहली लोग हैं। कौन से लोग हैं, ये सिहली लोग हैं। ठीक है ना, अब आप देख पा रहे हैं कितने ज़्यादा एरिया में, कितने ज़्यादा क्षेत्र में है ये, है ना, बड़े क्षेत्र में। तो ये क्या हुए, बहुसंख्यक लोग हुए। वहीं पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये जो आपको ऑरेंज कलर का जितना भी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र कैसे लोगों का है, ये तमिल लोगों का है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि जो तमिल भाषी लोग हैं वह अल्पसंख्यक हैं और जो सिहली भाषा बोलने वाले लोग हैं वह बहुसंख्यक हैं। आगे हम इसको देखते हैं,
अब हम जानते हैं हमारा जो नेक्स्ट विषय है वह है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। ठीक है, अब बहुसंख्यकवाद क्या होता है सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है कि यह मान्यता है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनमाने ढंग से देश का शासन कर लेता है, ठीक है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों और आकांक्षाओं की अवहेलना कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, सामान्य भाषा में हम समझेंगे कि मान लीजिए किसी भी कोई भी देश है, उस देश में जो बहुसंख्यक मतलब ज़्यादा लोग हैं, है ना, कि जैसे कि किसी धर्म के आधार पर ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, अब वो क्या करने लगे, अपने मनमाने तरीके से वहाँ पर शासन करने लगे उस देश में, है ना, अपने मनमाने ढंग से क्या करने लगे, नीतियाँ बनाने लगे, योजनाएँ बनाने लगे, और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उस अल्पसंख्यक समुदाय को क्या करने लगे, अंकुश करने लगे, उनको उनकी आकांक्षाओं की अवहेलना करने लगे, है ना। जैसा कि हमारे अगर आप देखें तो भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो पहले हमारे यहाँ पर क्या हुआ करता था, जो पिछड़ी जाति के लोग थे, है ना, जो अन्य पिछड़ा वर्ग, जो अन्य पिछड़ी जाति के लोग थे, उनको क्या करते थे, जो ब्राह्मण वगैरह हुआ करते थे, वो क्या करते थे, उनको दबा के रखते थे, उनका क्या करते थे, दमन करते थे, उन पर शासन किया करते थे, ठीक है। तो बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है कि जब कोई बहुसंख्यक समुदाय क्या करता है, मनमाने तरीके से देश पर शासन करता है और अल्पसंख्यक समुदाय को और उनकी ज़रूरतों और आकांक्षाओं की क्या करने लगता है, अवहेलना भी करने लगता है, ठीक है। तो ऐसी जो मान्यताएं होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बहुसंख्यकवाद बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार, ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि सिहली भाषा जो थी श्रीलंका में, सिहली भाषा बोलने वाले लोग की संख्या ज़्यादा थी, बहुसंख्यक थे वो, तो उन लोगों ने क्या कर लिया, वहाँ पर अपनी सरकार बना ली, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक जो देश होता है वहाँ पर क्या होता है, वोटिंग होता है, और वोटिंग के आधार पर क्या हुआ, वहाँ पर सिहली जो भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनकी ही सरकार वहाँ पर बन गई। कहाँ पर, हमारे श्रीलंका में। जब सरकार बन गई उनकी बहुसंख्यकवाद की, बहुसंख्यक लोगों की, तो उन लोगों ने क्या क्या कदम उठाए उनको हम विस्तार से समझते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1956 में सिहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर सिहली लोग ने अपनी सरकार बनाई, क्योंकि वह ज़्यादा संख्या में थे तो उन्होंने अपनी सरकार बनाई, और 1956 में उन्होंने अपनी भाषा को, किस भाषा को, सिहली भाषा को श्रीलंका की क्या कर दी, राजभाषा घोषित कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिहलियों को प्राथमिकता देने लगे, ठीक है ना। मतलब कि जो विश्वविद्यालय थे या फिर जो विद्यालय वगैरह हुआ करते थे, स्कूल वगैरह हुआ करते थे, सरकारी जो नौकरियाँ हुआ करती थी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिहली लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। अब आप मुझे बताइए कि जब सिहली लोगों को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी तो इसका मतलब जो तमिल बोलने वाले लोग हैं, चाहे वह भारत मूल के तमिल हों, चाहे वह स्वयं श्रीलंकाई मूल के तमिल हों, तो ऐसे तमिल बोलने वाले, भाषा बोलने वाले लोगों को इससे क्या होगी, नाराज़गी होगी, ठीक है ना। और देखते हैं हम क्या किया वहाँ की सरकार ने, वहाँ की सरकार ने राज्य द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दे दिया, क्योंकि हमने देखा जो सिहली भाषा बोलने वाले लोग थे वह क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया कि राज्य द्वारा बौद्ध मत को ही संरक्षण दे दिया और बढ़ावा, मतलब धर्म पर भी ये क्या करने लगे, अपने ही धर्म को सबसे आगे रखने लगे और उसको ही क्या करने लगे, बढ़ावा देने लगे। तो जब इस तरीके की बहुसंख्यकवाद परिस्थिति जब श्रीलंका में उत्पन्न हुई, वहाँ की सरकार मनमाने तरीके से, मनमाने ढंग से नीतियाँ बनाने लगी और अपनी सिहली भाषा वाले लोगों को ही प्राथमिकता देने लगी, उनका ही आर्थिक और सामाजिक विकास करने लगी, तो वहाँ पर उसके क्या परिणाम हुए वह हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद था इसके क्या परिणाम हुए। तो देखिए, पहला परिणाम ये था कि भेदभावपूर्ण निर्णयों ने तमिलों की नाराज़गी को बढ़ा दिया, ठीक है ना। जो अल्पसंख्यक थे, कौन, तमिल भाषी लोग, इनकी नाराज़गी बढ़ने लगी। तमिलों द्वारा अलग राजनीतिक पार्टियां बनाई गईं और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। तो जो तमिल भाषा वाले लोग थे, तमिल जो लोग भाषा बोलते थे वहाँ के लोग, उन लोगों ने अलग अलग राजनीतिक पार्टियाँ बनाना प्रारंभ कर दिया।
और यह राजनीतिक पार्टियां क्या करती थी, जो सरकार थी सहेली लोगों की, जो सरकार थी सहेली भाषा बोलने वाले लोगों की, जो सरकार थी उनसे ये क्या करती थी, संघर्ष करती थी, उनके सामने मांग रखती थी, किस चीज़ के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, है ना, और तमिल को राजभाषा बनाने के लिए। फिर देखिए क्या हुआ कि 1980 के दशक तक अलग स्वतंत्र तमिल इलम, ठीक है ना, यह आपको ध्यान में रखना है, स्वतंत्र तमिल इलम, ये जो इलम शब्द है यह एक तमिल का शब्द है जिसका मतलब होता है सरकार, बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने, है ना। तो मतलब 1980 के दशक की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होने लगा कि जो तमिल लोग थे इन लोगों की अलग अलग राजनीतिक पार्टियाँ बनने लगी और यह क्या मांग करने लगे, यह मांग करने लगे कि तमिलों को भी समान अवसर दिया जाए, चाहे वह विश्वविद्यालय में हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में हो, सभी जगहों पर तमिल को भी क्या मिलना चाहिए, समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। शीघ्र ही सिंहलियों और तमिलों के बीच में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, ठीक है ना। तो क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी वह मनमाने तरीके से अपनी ही चीज़ों को क्या कर रही थी, आगे कर रही थी, तमिलों का कोई भी पर समर्थन नहीं कर रही थी, तो इससे क्या हुआ, तमिलों और जो सिहली लोग थे इन दोनों के बीच में क्या होने लगा, गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। अब अगर हम आगे की कहानी को देखें, जो हम बेल्जियम की अभी हमने देखा था, तो बेल्जियम की सरकार ने कितने अच्छे तरीके से और कितने सावधानीपूर्ण तरीके से क्या किया, वहाँ पर निर्णय लिए और वहाँ के अपने पूरे नागरिकों का सम्मान करते हुए अपने देश को गृह युद्ध होने से बचा लिया। वहीं पर अगर हम देख रहे हैं कि जो श्रीलंका की सरकार थी, श्रीलंका की सरकार के द्वारा उठाए गए जो कदम थे वह बिल्कुल ही व्यर्थ थे और उससे क्या हुआ कि दोनों ही समुदाय के बीच में झगड़ा और बढ़ गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि ये इसने किसका रूप ले लिया, गृह युद्ध का रूप ले लिया। और जब ये गृह युद्ध हुआ तो इससे हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग जो थे वो शरणार्थी भी बन गए। और आप देख 1980 से परिस्थितियां प्रारंभ हुई, यह परिस्थितियां कब तक चली, 2009 तक, है ना। मतलब 2009 में यह युद्ध जो था, गृह युद्ध जो था वह क्या हुआ, शांत। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को कवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।